हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीडीएफ गुरु एकेडमी। पीडीएफ गुरु एकेडमी के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो सीडब्ल्यूसी का जो फॉर्म आया था उसका एडमिट कार्ड आउट हो चुका है। सीडब्ल्यूसी को बोलते हैं सेंटर वेयर हाउस कॉरपोरेशन, तो इसका एडमिट कार्ड आउट हो चुका है। तो हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे हमें एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है और इसका सिलेबस क्या है और ये एग्ज़ाम कौन करवा रही है। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पीडीएफ गुरु एकेडमी पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि इस तरह से जो भी मैं नोटिफिकेशन जो भी वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उन वीडियो को देख पाएँ। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कैसे डाउनलोड करते हैं सीडब्ल्यूसी का एडमिट कार्ड। तो फ्रेंड्स, आपको आईबीपीएस के साइट पर जाना होगा और यहाँ पे आपने देख रखा है कि यहाँ पे लिखा सेंट्रल वेयर हाउस कॉरपोरेशन और ये जो कॉल लेटर जो डाउनलोड होना शुरू हो रहा है 8/5/2019 से शुरू हो रहा है और कब बंद होगा 30/5/2019 को। आप दो लैंग्वेज में एडमिट कार्ड निकाल सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हिंदी के जगह हिंदी में टिक करना पड़ेगा और इंग्लिश के लिए इंग्लिश में टिक करना पड़ेगा। उसके बाद आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है उस रजिस्ट्रेशन नंबर को यहाँ पर फिल करना होगा या और पासवर्ड यहाँ पे आपको फिल करना पड़ेगा जो कि आपका DOB होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे कैप्चा कोड डालना पड़ेगा और लॉगिन करना पड़ेगा तो आपका एडमिट कार्ड जनरेट हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये था कि कैसे हम सीडब्ल्यूसी का एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे। तो चलिए फ्रेंड, देखते हैं कि क्या है सिलेबस और कौन एग्ज़ाम करा रही है, कैसा पेपर आएगा, पेपर का लेवल कैसा आएगा। तो चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें ये जो एग्ज़ाम है IBPS करा रही है, ठीक। और IBPS जो संस्था है इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड पर्सनल सिलेक्शन, जो बैंक के एग्ज़ाम कराती है, तो इसका जो लेवल होगा बैंक की तरह होगा, लेकिन बैंक का जो पेपर होता है टफ होता है, तो ये जो सीडब्ल्यूसी का जो पेपर होगा उतना टफ नहीं होगा, मतलब PO लेवल का नहीं आएगा। और इसमें जो पैटर्न होगा, जो बैंक का पैटर्न होगा, वही पैटर्न यहाँ पे भी होगा। तो इसमें रीजनिंग जो आएगा 35 क्वेश्चन आएगा, मैथ्स 35 क्वेश्चन होगा और इंग्लिश 30 क्वेश्चन होगा और ये प्री एग्ज़ाम होगा, उसके बाद आपका क्या होगा मेंस होगा। तो फ्रेंड्स, ये जो पेपर होगा उसमें इसका जो लेवल होगा ज़्यादा टफ नहीं होगा, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको एग्ज़ाम के 10-15 दिन पहले जो बैंक का सिलेबस हो आपको अच्छी तरीके से देख लेना है और कैसे उसमें रीजनिंग मैथ्स और इंग्लिश कैसे आता है ये आपको जान लेना है। तो फ्रेंड्स, उसको अगर देख के जाएंगे और सॉल्व करके जाएंगे तो निश्चित है आपका पेपर बहुत ही अच्छा होगा। आप परेशान मत होइए और ये पेपर बहुत ही इजी होगा, क्योंकि बैंक का तो पेपर PO का टफ होता है, प्रोविजनरी ऑफिसर का, लेकिन इसका पेपर जो होगा बहुत ही इजी होगा ताकि सारे बच्चे इसको कर सकें। ओके फ्रेंड, तो ये था हमारा एडमिट कार्ड और सिलेबस के बारे में। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि अन्य जो बच्चे हैं वो भी जान सकें कि हाँ क्या है सिलेबस, क्या है उसका लेवल, क्या है और कैसे डाउनलोड करना एडमिट कार्ड। तो फाइनली थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।